कि भारत की राजनीति की आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी हम पाते हैं कि जिन जिन आकांक्षाओं के साथ देश में समतावादी समाज रचना का लक्ष्य लेकर असंख्य क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता आंदोलन में शिरकत की और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके संकल्प आज भी अधूरे। नेताजी के विचार और मूल्य और सिद्धांतों को लेकर विदर्भ की जनता ने लोकसभा विधानसभा में अपने प्रत्याशी भेजे थे। समय के साथ नेताओं के विचार मूल्य और सिद्धांत बदलते चले गए। भ्रष्टाचार से ओतप्रोत सरकारें खरीदी बिक्री की प्रथा में संलग्न हो गए। भारतीय लोकतंत्र के नींव को हिला के रख दिया गया। ऐसे समय में देश को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन, प्रेम की आवश्यकता को है। इसमें अपने प्रत्याशी हम लोगों ने खड़े करने चाहिए। कुछ चीज़ें आई हुई भी हैं, नाम भी आए हुए हैं महाराष्ट्र से, तो हमारा ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 15 उम्मीदवार हम लोगों ने महाराष्ट्र राज्य, क्योंकि निर्वाचन आयोग का ऐसा रहता है कि जब भी आप लोगों को खड़े करना हो तो कम से कम जो विधानसभा में जो आंकड़े होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 288 है तो उसका 5%, कम से कम उतना तो उस राज्य में प्रतिनिधि तो देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इस समय, क्योंकि हमारी पार्टी अभी जन्म लिया है, एक बच्चा गोद में है, फिर भी नेताजी के विचार बहुत महान है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में हमारे नेताजी के विचार को जाना जाता है, उनके सिद्धांत को जाना जाता है। बारे में हम लोग जैसे हमारी घोषणा होती है, घोषणाओं के साथ में अगर किसी की इच्छा होती है, कोई पार्टी से बगावत कर देते हैं, तो हम उसके लिए अपने आरे दरवाजे खोल देंगे। भारत की न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके उसमें उसको सर्वसुलभ बनाया जाए, यह हमारा मुख्य मुद्दा है। आम आदमियों के काम में अड़िंगेबाजी और हिला हवाला का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही चीज़ आज हमारे देश में या इस शासन व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति धारक के विरुद्ध प्रकरणों में 6 माह के भीतर फैसला कर दोषी को कम से कम 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को। ऐसे मुद्दे को लेकर हम लोगों के सामने जाने के लिए